हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम शुरू करने वाले हैं एल्कोहल फिनोल एंड ईथर के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 टूल्स जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके सीबीएसई एग्जाम के लिए। तो नंबर वन पे है हमारा कौन सा, CH3 सी एच डबल बॉन्ड CH2, इसे बोलते हैं एडिशन ऑफ हाई H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, H पॉजिटिव भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो ये अटैच होगा OH नेगेटिव, वो मार्क होने के हिसाब से होगा। तो ये है हाइड्रेशन, तो यहाँ आ गया आपका OH मार्कोनी के हिसाब से, और ये CH3। तो ये पहला टूल था। इसी तरह से हम सेकंड टूल पे चलते हैं। अगर मान लो आपको OH निकालना है तो CH3 CH2 OH, और इस OH को आप निकालना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर क्या करोगे, कॉन्क H2SO4 टेम्परेचर 443, याद रखना ये 443 केल्विन है। तो ये अल्फा से OH और बीटा से H निकाल देगा, तो ये डिहाइड्रेशन है, इसे एसिडिक डिहाइड्रेशन बोलते हैं, बड़ा पॉपुलर है। और अगर आपने टेम्परेचर में थोड़ा सा भी बदलाव किया, तो देखो यहाँ पर CH3 CH2 OH, और यहाँ टेम्परेचर में आपने बदलाव कर दिया H2SO4 कॉन्क H2SO4 413 कर दिया केल्विन, तो ये आपका ईथर बनाएगा, ठीक है ना। ये 2 मोल इस्तेमाल होने वाले हैं, H2 निकल जाएगा, और ये CH3 CH2O इस तरीके से CH2 CH3 आपका ईथर हो गया, सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। तो अगले टूल की तरफ चलते हैं, नंबर 4। और नंबर 4 पे हमारा जो इजी सर एक टूल है जो है CH3, इसके लिए एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं कि ये अगर मान लो CH3 CH2 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 OH इस तरीके से है, और आपने क्या डाल दिया यहाँ पर, वही कॉन्क H2SO4 और 443 केल्विन। तो यहाँ से आपका अल्फा और यहाँ से आपका बीटा निकलना चाहिए, लेकिन अल्फा यहाँ और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की जगह यहाँ जो आपका डबल बॉन्ड आएगा वो इस पोजीशन पे आएगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना इस चैप्टर के लिए तो स्पेशल, ठीक है ना। बाकी तो रूल्स बहुत सिंपल हैं और वैसे ही है। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 है हमारा CH3 CH2 और ये है आपका क्या, Cl, ठीक है। और यहाँ से अगर आप मान लो ये OH है, और यहाँ से अगर आप इसमें क्या डाल देते हो, HBr, तो यहाँ से OH और H निकल जाएगा, H2 और Br अटैच हो जाता है, तो ये आएगा आपका CH3 CH2 और यहाँ आ जाता है आपका Br। नंबर 4 ये टूल था। नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 है आपका नॉर्मल ईथर बनाने का विलियमसन सिंथेसिस, एक रिएक्शन है बड़ी पॉपुलर है, CH3 CH2 ONA, ये विलियमसन सिंथेसिस है, और इसमें हम अटैक करवाते हैं किसका, CH3 CH2 Br। तो बड़ा सिंपल वे में यहाँ से NaBr निकलता है, और CH3 CH2 O CH2 CH3 एल्कोक्साइड आयन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है और एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। तो उससे रिलेटेड कुछ जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो उसके जरूर कर लेना, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो लिमिटेशन भी है विलियमसन सिंथेसिस की। और आगे चलते हैं। देखो CH3 OCH3 अगर यहाँ मैं HI से इसे तोड़ना चाहूँ, तो यहाँ पर आप कहीं से भी तोड़ सकते हो, तो चलो आसान है, यहाँ से तोड़ लिया तो ये हो जाएगा आपका CH3, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो यहाँ इस तरफ से O नेगेटिव होगा, तो ये आ जाएगा आपका OH और ये आ जाएगा आपका CH3I। लेकिन लेकिन ये तो चलो दोनों तरफ क्या है आपका, 0 डिग्री 0 डिग्री, लेकिन अगर ये केस 1 डिग्री का होता CH3 CH2, ठीक है, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस लगता, स्टेरिक हिंड्रेंस में जहाँ कम हिंड्रेंस है, तो तब भी ये बॉन्ड यहीं से टूटता अगर ये 1 डिग्री है। तो अगर ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाले केस में CH3 CH3 O CH3 यहाँ भी आपका स्टेरिक हिंड्रेंस लगता और ये बॉन्ड फिर से यहीं से टूटता। बट इन केस ऑफ 3 डिग्री 3 डिग्री वाले केस में HI के साथ अगर आप देखोगे, तो यहाँ जो रूल है वो अब चेंज हो जाता है। अगर 3 डिग्री के तरफ जाओगे आप, तो यहाँ पर अब ये SN1 को फॉलो करेगा और ये बॉन्ड जो है बॉन्ड वो यहाँ से टूटेगा, ठीक है ना। तो ये 3 डिग्री के केस में ये रूल फॉलो करता है, कौन सा, SN1, और बाकी इन दोनों के लिए ये SN2 स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं, और SN1 में क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 6। नंबर 7 की तरफ देख चलते हैं। नंबर 7 जो रूल है वो है हमारा बड़ा ही सिंपल, अपने अपने इसमें चैप्टर्स में पढ़ा भी होगा इसको, रिडक्शन, रिडक्शन में CH3
CHO, इसका भी रिडक्शन करवाना है आपको, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा CH3CH2, और यहाँ OH आ जाएगा तो रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। नंबर 8 पे अगर आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, ये भी आपका CH3CH2OH ही बनाएगा, ठीक है। नंबर 9 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब ऑक्सीडेशन को भी देख लेते हैं, CH3 अगर यहाँ पर अगर देखोगे CH3CH2OH, यहाँ अगर आपने ऑक्सीडेशन करना है वो भी माइल्ड, तो PCC का मतलब पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और CrO3 का मतलब है क्रोमिक एनहाइड्राइड, और ये आपका बना देगा CH3CHO जो कि बिल्कुल इस रिएक्शन का उल्टा है, ठीक है, इस तरीके से ये बना देगा। और नंबर 10 की अगर बात करें, अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग चाहिए CH3CH2OH से डायरेक्ट आपको चाहिए CH3COOH, तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना पड़ेगा, यहाँ पर हम डालेंगे KMnO4 को जो कि इसका अपोजिट है, ठीक है। तो नंबर 10 के बाद अब चलते हैं नंबर 11 पर। नंबर 11 जो है आपका वो है CH3CH2 और आपको फॉर्म करना है इस बार 1 डिग्री एल्कोहल CH3CH2CH2OH, तो 1 डिग्री एल्कोहल के लिए डाई हाइड्रेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के नाम से बड़ा पॉपुलर है, इसमें B2HC डाइबोरिन यूज़ करते हैं और इसके अलावा H2O2.OH-, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी एग्जाम में आता है। और अगर हम आगे चलें तो नंबर 12 जो टूल है वो आपको कुछ याद दिला देगा, क्यूमीन जो आपने पढ़ा है CH3 और ये CH3, इसे क्यूमिन बोलते हैं, अगर आप इसमें ऑक्सीजन डाल दोगे तो इसका ये वाला पोर्शन ये बन जाएगा COOH, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका CH3 और ये आपको कुछ इस तरीके से ऐड करना है C(O)(O)(O)) इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें एसिड डालते हो तो ये देखो क्या हिस्सा बाहर निकल गया यहाँ से, ये आपका एसीटोन CH3COCH3 बाहर निकल गया और जो बना वो आपका फिनोल था, ये आपका OH फिनोल बन गया, किससे, क्यूमिन से। तो ये रिएजेंट भी हो गया खत्म। नंबर 13 पे हम आते हैं, नंबर 13 है हमारी लिस्ट में इस तरीके से, अगर आप CH3CH2OH में क्या डालोगे, NaOH डालोगे, तो NaOH एक बेस होता है जो इस बात को प्रूव करता है कि एल्कोहल आपका एसिडिक नेचर है, ठीक है ना, तो ये H और ये OH क्या निकाल देगा यहाँ से H2O, और ये हमेशा इस तरह से ऐड होता है CH3CH2OH में, ठीक है, ये प्रूव करता है कि हमारा एल्कोहल एसिडिक नेचर है जो हाइड्रोजन निकाल रहा है। NaOH की जगह अगर आप सोडियम लोगे तो ये भी लेविस के हिसाब से बेस है और ये भी आपका हाइड्रोजन निकाल देगा और ये भी ONA ही बनाएगा। नंबर 14 की तरफ आते हैं, ये बड़ी खास रिएक्शन है, ये एस्प्रिन की फॉर्मेशन होती है किससे, सैलिसिलिक एसिड से, तो ये सैलिसिलिक एसिड है और अगर आपने इसमें क्या डाल दिया CH3CO का ट्वाइस ओ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये क्या बनाता है आपका, यहाँ से आपका जो ये H है वो इस तरीके से चला जाएगा CH3CO बार का भी और ये H ये निकल गया, जो भी बच गया उसको यहाँ ऐड कर दो, ये आपका आ गया एस्प्रिन, दिस इज योर OCOCH3, ये एस्प्रिन है, इसे COOCH3 भी बोल सकते हो आप, इसी को बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो ये एस्प्रिन है जो हर्ट पेशेंट भी यूज़ करते हैं और आप इसको एनाल्जेसिक्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो सर में पेन के लिए, ठीक है। ओके, 19 पर हम आते हैं, ये हमें बताता है बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट से लुकास रिएजेंट बोलते हैं, तो इसमें क्या डालते हैं हम HCl को डाल देते हैं इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इसको कलेक्टिवली बोलते हैं लुकास रिएजेंट, ये आपको बता देता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में डिस्टिंग्विश करके। 1 डिग्री अगर एल्कोहल है तो आपकी जो टर्बिडिटी होती है वो नहीं आती है, ठीक है ना, वो हीट करने पर ही आती है, तो टर्बिडिटी अपीयर ऑन हीटिंग, और यहाँ पर अगर मान लो ये 2 डिग्री है तो टर्बिडिटी आ जाती है 5 मिनट के बाद, और यहाँ 3 डिग्री है तो टर्बिडिटी आ जाती है इमीडिएटली, ठीक है ना, तो इमीडिएटली आपकी टर्बिडिटी आती है। तो ये रिएजेंट मेन जो है वो इस्तेमाल होता है क्या करने में, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में, ठीक है। अब इससे आगे अगर हम चलें तो यहाँ कॉपर 573 यानी कॉपर
573 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये कॉपर 573 जो है इसको कन्वर्ट कर देगा CH3CHO, ये वही काम है जो आपका PCC जो हमने पढ़ा था कि इसको ऑक्सीडेशन करने के लिए PCCCRO3 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यही एल्कोहल कौन सा होता, यही एल्कोहल आपका होता 2 डिग्री, तो यहाँ पर भी कॉपर 573 केल्विन जो है ये इसको कन्वर्ट कर देता कीटोन में, डबल बॉन्ड ओ CH3C डबल बॉन्ड ओ CH3। अगर ये आपका कौन सा होता, ये होता आपका कौन सा 3 डिग्री एल्कोहल, तो यहाँ पर अब ये कॉपर 573 जो है ये हम यूज़ करते हैं क्या करने पर, H2O निकालने पर, यहाँ डिहाइड्रेशन कर देगा इसको और ये बनाएगा आपका डबल बॉन्ड CH2CH3। ठीक है, तो ये कॉपर 573 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको भी अपने दिमाग में जरूर रखना। नंबर 17 पर आ गए हैं हम, और नंबर 17 है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि इस नॉर्मल केस के लिए अगर मान लो यहाँ से आपको डिहाइड्रेशन करवाना है, ठीक है, नॉर्मली आपको याद है H2SO4 और 443 केल्विन, लेकिन अगर ये 2 डिग्री एल्कोहल है तो 2 डिग्री एल्कोहल में काम जल्दी हो जाएगा, यहाँ 85% आपको H2SO4 लेना पड़ेगा और 440 पे ही काम चल जाएगा, तो यहाँ ये आसानी से आपका डिहाइड्रेशन करवा सकता है। ठीक है, 1 डिग्री में कितना था, 100% H2SO4 और 443 केल्विन। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ इसका क्या होगा नंबर 18, इसको हम अगली कैटेगरी में रखेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल होता तो क्या ये काम और जल्दी होता, यस। अब की बार सिर्फ 20% H2SO4 से काम चल जाता और टेम्परेचर और भी कम, 358 केल्विन, और यहाँ से OH अल्फा से और बीटा से H निकाल के आप यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा सकते हो। ठीक है, नंबर 19 की तरफ चलते हैं। नंबर 19 है हमारा नेक्स्ट रिएजेंट जो आता है वो है बड़ा सिंपल, अगर मान लो आप तो फिनॉल, ये फिनॉल है और इसमें आप क्या करवाना चाह रहे हो, HNO3 डाइल्यूट HNO3 अगर आप डाल दोगे तो ये आपको ऑर्थो पैरा पे अटैच करवा देगा इसको। ये देखो ये ऑर्थो पे NO2 है और ये पैरा, जिसमें पैरा जो होता है वो क्या होता है, मेजर, ए या आपका पैरा पे। ठीक है, लेकिन अगर यही केस डाइल्यूट की जगह कॉन्क होता, ये देखो अगर डाइल्यूट की जगह क्या कैसा होता, कॉन्क, ये कॉन्क H2SO3 होता तो एग्जाम में भी आ चुका है ये, तो ये आपका तीनों पोजीशन पे इसको अटैच करवाता। अगर आप देखोगे तो यहाँ OH है, यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 है, इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका 21 पे है आपका अगेन फिनॉल, और अब की बार फिनॉल में हम ऐड करेंगे क्या, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, तो ये भी आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन को अटैच करवाएगा। एक तो ऑर्थो पोजीशन हो जाएगी इसकी और एक पोजीशन जो हो जाएगी वो इसकी कौन सी हो जाएगी, पैरा पोजीशन, तो ये इसकी पैरा पोजीशन है ब्रोमीन। और अगर अगर इसकी जगह तीनों पोजीशन पे इसे अटैच करवाना है तो मीडियम आपको एक्वस रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो Br2 है ये आपका एक्वस मीडियम है और इसमें तीनों पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच होता है, यहाँ भी अटैच होता है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो तीनों पोजीशन पर जो ब्रोमीन है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं यहाँ से निकल के, ये रिएक्शन 23 और 24, ये तो बड़ी खास रिएक्शन है, कोल्ब रिएक्शन कहते हैं इसे। ठीक है ना, इस चैप्टर की जान है। तो यहाँ अगर हम इसमें यूज करते हैं फिनॉल, और फिनॉल में अगर हम इसमें क्या डाल देते हैं, NaOH, जैसे कि मैंने बताया था NaOH का रोल ही है, ये बेस होता है तो वो हाइड्रोजन निकालेगा, और फिनॉल तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं देन एल्कोहल। ठीक है ना, तो यहाँ क्या बनाएगा, ONA, और फिर से अगर यहाँ पर आप पहले स्टेप में CO2, दूसरे स्टेप में H पॉजिटिव डाल दोगे तो H पॉजिटिव तो इसको OH बना देगा और ये बना देगा आपको COOH, इसको COOH, तो सैलिसिलिक एसिड फॉर्म करता है कोल्ब रिएक्शन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये अगली रिएक्शन है 24, ये है आपकी रिमर-टीमन रिएक्शन। रिमर-टीमन रिएक्शन जो है ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन आपके एग्जाम में अक्सर आती है। यहाँ भी शुरुआत किससे होती है, फिनॉल से ही होती है, यहाँ पर आपका आता है क्लोरोफॉर्म प्लस में एक्वस KOH या फिर NaOH,
ठीक है ना। याद रखना, अगर ये एल्कोहलिक NOH होता तो ये रिएक्शन कार्बाइलमाइन रिएक्शन होती, वो भी बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है अमाइन चैप्टर की। तो यहाँ जो बनेगा वो बनेगा क्या, एक्वस NOH की जगह वही ONA जैसे कि हम सीखते आए हैं, और यहाँ CaCl2 बन जाता है। उसके बाद यहाँ डालते हैं हम NaOH, एक नहीं दो NaOH का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिखते एक ही हैं। तो ये आपका जो रिएजेंट बनाता है वो बनाता है इस तरीके से, ऊपर आ गया आपका ONA और यहाँ पर आ गया आपका CHO। अब यहाँ से आप H पॉजिटिव का इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये ONA हट जाएगा और ये बन जाएगा बड़ा पॉपुलर सैलिसाइलडिहाइड, ठीक है। तो ये आपकी रिमर-टिमर रिएक्शन है। और अब बात आती है फाइनल 25 की, तो ये लास्ट है आपकी 25, और इस 25 में आपको ये ध्यान रखना होगा कि फिनोल में अगर आप सोडियम Na2Cr2O7 का यूज़ करते हैं तो ये बेंजो क्विनोन बनाता है, इसे बोलते हैं बेंजो क्विनोन, ठीक है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो आपको दिमाग में रखनी ही चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ जो रिएक्शन है जैसे फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है ना, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में मैं एक एक्स्ट्रा रिएक्शन करवा रहा हूँ यहाँ पर, वो है ये स्पेशल रिएक्शन है क्या, अगर मान लो एनिसोल में आपको ब्रोमिनेशन करवाना है तो ये इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में होता है। बाकी रिएक्शन तो बड़ी सिंपल है और आप पहले भी कर चुके हो। तो ये इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में OCH3 एक ऑर्थो पोजिशन पे और एक पैरा पोजिशन पे ये आपका अटैच हो जाएगा, OCH3 और ये पोजिशन कौन सी आपकी पैरा पोजिशन पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।